हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अखिल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में आप लोगों को प्रतीक चिन्ह एवं उसका अर्थ जानने को मिलेगा, जो मुख्य चिन्ह होते हैं उनका क्या मतलब होता है। आज के वीडियो में आप लोगों को यही चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है आंखों पर पट्टी तथा हाथ में तराजू लिए स्त्री, ये किसका चिन्ह होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो ये जो है न्याय का चिन्ह होता है। न्याय में यानी कि कोर्ट में आप लोग जाते होंगे, अगर गए होंगे या फिर आपके पिता माता कोई भी गए होंगे तो देखें होंगे कि वहां पर एक मूर्ति होती है जो कि स्त्री बनी होती है। मूर्ति पर मतलब मूर्ति का स्त्री होता है और वहां पर उनके आंखों पर जो है काली पट्टी बांधी होती है और हाथ में एक तराजू लिया जो मूर्ति बनाई गई होती है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है न्याय का प्रतीक, वो न्याय का चिन्ह होता है। आप मूवी में भी देखा होंगे कोर्ट में इस तरह से एक मतलब मूर्ति होती है, तो ये आपका न्याय का प्रतीक है, ठीक है। और दूसरा देखेंगे कमल का फूल। कमल का फूल का मतलब क्या होता है, तो कमल का फूल भाजपा वाला सरकार में समझ लेना, कमल का फूल है तो संस्कृत और सभ्यता का प्रतीक है, ठीक है। कमल का फूल संस्कृत और सभ्यता का प्रतीक है, आप लोगों को चिन्ह देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर मैं इमेज भी लगा दूंगा, ठीक है। यह है संस्कृत और सभ्यता का प्रतीक। और दूसरा देखेंगे हरा प्रकाश। हरा प्रकाश यानी कि जो रोड पर लाल हरा पीला जो आपका ये बत्ती लगी होती है उसका मतलब होता है वहाँ पर का हरा प्रकाश है, तो वहाँ का मतलब है यातायात को जाने का संकेत, यानी कि यातायात पर जब चलेंगे तो हरा प्रकाश है तो आप सड़क पर चल सकते हैं, अगर रेड है तो आप लोग खतरे का चिन्ह है यानी कि रुक जाइए, तो हरा प्रकाश का मतलब है यातायात जाने का संकेत, ठीक है। और देखेंगे चौथा बांह पर काली पट्टी। बांह पर यानी कि आपका जो बॉडी होती है उसमें जब काली पट्टी लोग बांह पर बांधते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, काली पट्टी आपको इमेज पर देखने को मिलेगा, ठीक है। विरोध का संकेत, दुख का प्रतीक, यानी कि किसी चीज़ का विरोध हो, विरोध करने का संकेत, यानी कि ये लोग कहीं पर विरोध किसी चीज़ का विरोध करने जा रहे हैं या फिर किसी प्रकार का दुख है, ठीक है, इसका संकेत ये करता है बांह पर काली पट्टी, ठीक है। और चौथा देखें यानी कि पाँचवा देखेंगे लाल त्रिकोण। लाल त्रिकोण का मतलब क्या होता है, परिवार नियोजन। लाल त्रिकोण आपका एक त्रिभुज की तरह इस तरह से होगा जिसपे आप पूरा लाल लेगा, ठीक है, पूरा टोटली लाल लेगा, इसका मतलब होता है परिवार नियोजन, परिवार का देखभाल देख सब कुछ करना, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। लाल त्रिकोण जहाँ, और यहाँ पर बच्चे भी बने होते हैं, इधर माता रहेंगी इधर पिता, बीच में बच्चा रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इमेज में देखने को मिलेगा। और देखेंगे छठा नंबर का क्वेश्चन है लाल प्रकाश। लाल प्रकाश जो अभी हरा प्रकाश मैंने बताया और लाल प्रकाश दोनों, अगर सड़क पर लाल प्रकाश जल रहा है तो आपको रुकना है, जाना नहीं है, ठीक है, यानी कि खतरे का चिन्ह है, अगर जाते हो तो वहाँ पर दुर्घटना हो सकती है, बस ये आप लोग समझ लीजिए। और देखेंगे चक्र। सातवां देखेंगे चक्र है, तो चक्र का मतलब क्या होता है, प्रतीक का, प्रगति का प्रतीक, यानी कि आगे बढ़ने का ये चिन्ह है, जैसे चक्र आपका नाचता तो अशोक चक्र देखेंगे आप लोग, चक्र का इमेज आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से होता है, प्रगति का प्रतीक, आगे बढ़ने का प्रतीक लगातार, ठीक है। अब देखेंगे आगे आगे देख लेते हैं आठवां नंबर का क्वेश्चन क्या है, यानी कि आठवां नंबर पे क्या है, कबूतर है, ठीक है। कबूतर क्या मतलब क्या होता है, शांति का प्रतीक। कबूतर एकदम शांति का प्रतीक होता है, जैसे कि सफेद कबूतर आप लोगों को देखा होगा इमेज पर देख लीजिए, कबूतर होता है शांति का प्रतीक। तो नवां नंबर यहाँ पर देखेंगे काला झंडा, ठीक है। काला झंडा का प्रतीक क्या होता है, यहाँ पर होता है विरोध का प्रदर्शन। काला झंडा विरोध का प्रदर्शन होता है, ठीक है, यानी कि किसी चीज विरोध हम कर रहे हैं तो काला झंडा लेके उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, यानी कि खड़ा हो सकते हैं काला झंडा लेके, तो वहाँ पर ये कहने का अर्थ होगा कि विरोध का प्रदर्शन किया जा रहा है, ठीक है। और देखेंगे दसवां नंबर का क्वेश्चन है लाल रेड क्रॉस। लाल रेड क्रॉस का मतलब समझ रहे हैं, जो डॉक्टर होते हैं उन पर इस तरह से प्लस होता है, एक लाल इधर होता है और एक रेड क्रॉस इधर है, तो इसे हम लोग कहते हैं लाल रेड क्रॉस, इसका नाम है, और इसका होता है डॉक्टरी सहायता और अस्पताल, ठीक है। कोई भी डॉक्टर होता है तो यहाँ पर उनकी बाइक हो या फिर गाड़ी हो या फिर एम्बुलेंस भी हो तो वहाँ पर इस तरह से प्लस का एक लाल कलर का चिन्ह होता है, इसका होता है लाल रेड क्रॉस और इसका अर्थ होता है डॉक्टरी अस्पताल या फिर डॉक्टरी सहायता, ठीक है, इसका मतलब यह होता है, ठीक। और 11 नंबर का हम देखेंगे लाल झंडा। लाल झंडा का क्या मतलब होता है और इसका चिन्ह क्या है, तो लाल झंडा का आप देख सकते हैं किस तरह से होता है, यहाँ पर लाल झंडा जो होता है क्रांति का प्रतीक है, ठीक है, क्रांति या फिर किसी चीज़ का जैसे क्रांति करना है उस चीज़ का प्रतीक है, और खतरे का चिन्ह है, क्रांति मतलब लड़ाई झगड़ा इस तरह से, क्रांति हमें किसी चीज़ को जीतना है, तो यहाँ पर लाल झंडा लेके सब लोग इसका प्रतीक करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। और देखेंगे 12 नंबर एक दूसरे को काटती दो हड्डियाँ और ऊपरी खोपड़ी, तो ये होता है खतरे का चिन्ह, खतरे का चिन्ह आप लोगों को देखने को मिलेगा, बिजली हो कहीं पर खतरनाक वोल्टेज हो तो वहाँ पर देखेंगे ऊपर एक खोपड़ी होती है इस तरह से और इस तरह से एक और ये होता है, ठीक है, बीच में खोपड़ी होती है, आप लोग देख लेंगे चित्र में, ठीक है, तो यहाँ पर लाल ये खतरे का चिन्ह होता है। 13 नंबर का देखेंगे जैतून ओलियो की शाखा। जैतून ओलियो की शाखा शांति का प्रतीक है, जैसे कि आप देखेंगे जैतून का भी एक जो शाखा होते हैं वो भी शांति का प्रतीक होती है, ठीक है, इमेज आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे 14 नंबर, ठीक है,
14 नंबर का देखेंगे सफेद झंडा। सफेद झंडा का मतलब होता है समर्पण या संधि का चिन्ह, ठीक है। सफेद झंडा का मतलब होता है समर्पण या संधि का चिन्ह। और देखेंगे झुका हुआ झंडा, झुका हुआ झंडा का मतलब होता है राष्ट्रीय शोक का संकेत, यानी कि अगर झंडा झुका हुआ है, यानी कि कोई जवान हमारा शहीद हो चुका है, या फिर ऐसे इस अवसरों पर जो है झंडे को झुकाया जाता है थोड़ा सा शोक मनाने के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय शोक तो वहाँ पर झुका, थोड़ा सा झंडा को झुका दिया जाता है, ठीक है। झुका हुआ झंडा हमेशा नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर इस देश का शान जो झंडा ही है तो उसे हमें हमेशा सीधा रखना चाहिए, किसी प्रकार का झुकाना नहीं है, ठीक है। और देखेंगे 16 नंबर जो कि लास्ट है, उल्टा झंडा। उल्टा झंडा का मतलब क्या होता है, संकट का प्रतीक। उल्टा झंडा अगर आपने गलती से भी लगा दिया तो आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उल्टा झंडा ऐसी संकट है, बहुत ज़्यादा संकट है अपने देश में, मतलब बहुत ही ज़्यादा संकट आ गया, तो वहाँ पर हम उल्टा झंडा का प्रतीक देते हैं, लेकिन ये चीज जो है हमेशा नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये उल्टा झंडा का मतलब होता है संकट का प्रतीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और वीडियो लेके, तो चलिए वीडियो को एंड।